तो व्हाट्सअप गाइज, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे जन स्टॉक मार्केट अड्डा में। दोस्तों बात करने वाले हैं एक बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है डीसीबी बैंक, शेयर का नाम है 102 में मिल रहा है। क्या इसका टारगेट रहेगा, पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हम लोग 1 मंथ के चार्ट पर देखेंगे, शेयर यहाँ पर दोस्तों करीबन 10% की रिटर्न दिया है, 6 महीने में 6% की रिटर्न, 1 ईयर में देख सकते हो 14% गिरावट, 5 ईयर देखेंगे ये जो शेयर देख सकते हो गिरावट में दिख रहा है, मैक्सिमम टाइम देखेंगे ये शेयर 110% की सिर्फ रिटर्न दिया है। इसका लिस्टिंग देखोगे 47 करके लिस्टिंग होता है 2006 में, और इसका लाइफ टाइम हाई 233 है। क्या ये शेयर 150 तक जा सकता है दोस्तों, वही चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं। जो लोग बाय करके चल रहे हैं वो भी देखिए, जो लोग बाय करना चाह रहे हैं वो भी देखिए। अगर हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे 8 लाख के करीब वॉल्यूम में 126 हाई है, मैं आपको दे रहा हूँ 150 का टारगेट, 81 इसका लो है। लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में करीबन 53% की माल उठाया गया था और 30 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे एक भी शेयर गिर भी नहीं है। अगर हम लोग पूरा डिटेल्स में शेयर को देखेंगे, ये एक बैंकिंग शेयर है, 3184 करोड़ का मार्केट कैप है और 121 इसका बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से अभी नीचे मिल रहा है। स्टॉक पे 11 है और डिविडेंड नहीं देता है, फेस वैल्यू 10 का है। आरओसीई 9.36 है, फेस वैल्यू यहाँ पर 6.99 है। कर्जा 34,000 करोड़ का कर्जा है, लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 3,447 करोड़ का रिजर्व है। ऊपर से फ्री कैश फ्लो माइनस है, 39,000 करोड़ का कंपनी के पास एसेट है, यानी कर्जा से ज़्यादा एसेट है कंपनी के पास। और पर शेयर के पीछे 8 रुपये जनरेट कर रहा है कंपनी, करीबन 9 रुपया। 3,758 करोड़ का नेटवर्थ है, डिविडेंड नहीं देता है, अभी कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटली थोड़ा सा वीक है, नहीं तो पूरा ठीक ठाक है। और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का, और ये 8 नंबर पर आता है। प्रॉफिट देखेंगे तो 34 से 65 करोड़, यानी क्वार्टर वाइज प्रॉफिट हुआ है। ईयर वाइज अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 337 से 273, यानी ये ईयर वाइज गिरावट है, क्वार्टर वाइज प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। नीचे जाएंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है, 13% CAGR है, कंपाउंडिंग ग्रोथ यहाँ पर माइनस है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एसेट में तेजी है, नेट कैश फ्लो माइनस है। होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक यहाँ पर रखा है कितना, पब्लिक 35, DIVL 38, FIVL 10 और दोस्तों प्रमोटर 14 रखे। तो दोस्तों सारा पैरामीटर देखने के बाद लॉन्ग टर्म का टारगेट 150 का दे रहा हूँ डीसीबी बैंक में। अगर आप पेशेंस दिखाओगे, होल्ड करोगे तो ये टारगेट आपको मिल सकता है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं को नेक्स्ट इंडस्ट्री वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।